ओके okay. तो देखिए, हम अमाइंस की फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे थे और हमने अमाइन फॉर्म करने का एक मेथड डिस्कस किया था कि हम अल्काइल हैलाइड को जब हम अमोनिया से रिएक्ट करेंगे तो हमें प्राइमरी अमाइन मिलेगा, ठीक है. और फिर अगर हम अल्काइल हैलाइड को प्राइमरी अमाइन से रिएक्ट करवाएंगे तो उसके रिजल्ट में सेकेंडरी अमाइन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है. एंड देन हमने नाइट्राइल से भी अमाइन फॉर्म करने के डिस्कस किया था कि हम पहले अल्काइल हैलाइड को अगर नाइट्राइल में कन्वर्ट करते पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट कराएं तो नाइट्राइल की फॉर्मेशन होती है, जिससे मॉलिक्यूल में एक कार्बन चेन इंक्रीज हो जाती है बाय ड्यू टू द एडिशन ऑफ वन कार्बन एटम. अब अगर हम उस नाइट्राइल की हाइड्रोजनेशन करें या उस नाइट्राइल की रिडक्शन करें LiAl(H4) से, तो इन दोनों केसेस में ये अमाइंस में कन्वर्ट होंगे. इन द सेम वे हम अमाइड्स को भी रिड्यूस करके अमाइन बना सकते हैं. अमाइड्स का स्ट्रक्चर ये होता है कि सी डबल बॉन्ड ओ के साथ NH2 प्लेस हो, और जब हम इसकी रिडक्शन करते हैं तो उसके रिजल्ट में भी ये अमाइन में कन्वर्ट होता है, ठीक है. ये क्लियर है, से नोट कर लीजिए लास्ट रिएक्शन को जल्दी से. वालेकुम अस्सलाम. लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग आपने की थी ना? ठीक है. तो ये अमाइड है और अमाइड में सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू होता है. जब हम इसकी रिडक्शन करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के साथ तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाता है और उसकी जगह पे यहाँ पे दो हाइड्रोजन आके बॉन्ड हो जाते हैं, और जो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट से प्रोवाइड किए गए हाइड्रोजन्स के साथ कंबाइन होके वाटर बना लेता है, ठीक है. इसे कंप्लीट कर लें जल्दी से. अच्छा, अमाइन अमोनिया और फिनाइल अमाइन क्या, जो बेसिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं फिनाइल अमाइन के साथ. जी, ये कंप्लीट कर लिया सबने? ओके. देन वी हैव अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स जो हैं बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें अमीनो एसिड्स बोलते हैं. एक फंक्शनल ग्रुप इनमें अमाइन ग्रुप होता है, यानी कि NH2 प्रेजेंट होता है, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, COOH ग्रुप होता है. तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हमारे पास ये अमाइन ग्रुप, NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप, ये दोनों प्रेजेंट होंगे, वो सारे क्या कहलाएंगे? अमाइनो एसिड्स कहलाएंगे, ठीक है. तो इनके पास एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है, तो इसीलिए ये एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, और एम्फोटेरिक होने की वजह से ये एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेसिस से भी रिएक्ट करते हैं. ये कंप्लीट कर लें जल्दी से. ठीक है.
अस्सलाम वालेकुम बात नहीं। जी कंप्लीट कर लिया सबने। ओके तो बेसिकली अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करें तो जैसे कि हमने कहा कि अमीनो एसिड्स हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हो सकते हैं जिनमें NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप लगा हो। ठीक है, तो NH2 और COOH की रिलेटिव पोजीशन कुछ भी हो सकती है पूरी चेन में। ठीक है, बट हम स्पेसिफिकली उन अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं जिन अमीनो एसिड्स में जो ये जो NH2 ग्रुप है ये उस कार्बन एटम से बॉन्डेड हो जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के नेबर कार्बन है। यानी कि आप यहाँ पे देखें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका नेबर कार्बन ये वाला कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बन से क्या अटैच है, NH2 ग्रुप है। ठीक है, तो अगर ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं तो उन अमीनो एसिड्स, वो अमीनो एसिड्स की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। और हर अमीनो एसिड प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक नहीं होता, सिर्फ वो अमीनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जिनमें NH2 ग्रुप उस कार्बन से अटैच हो जो कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड का नेबर कार्बन है। ठीक है, तो इस कार्बन को हम बेसिकली अगर हम पोजीशन मेंशन करें तो इस कार्बन की पोजीशन 2 होगी। ठीक है, और इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं। जी सानिया, मूसा एंड अब्दुलरहमान, आप तीनों को ये बात क्लियर है? यस सर, ठीक है, इसे कंप्लीट कर लें। जी कंप्लीट कर लिए सबने। ओके, तो इन अमीनो एसिड्स को क्या कहा जाता है, अल्फा अमीनो एसिड्स भी कहा जाता है और इनको हम 2-अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। अल्फा अमीनो एसिड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि देखें अगर ये एक मैं लॉन्ग चेन आपको बना के दिखा रहा हूं तो जो ये वाला कार्बन कौन सा है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन है और इसका नेबर कार्बन अगर मैं नंबर असाइन करूं तो ये सेकंड कार्बन कहलाएगा, अदरवाइज ये अल्फा कार्बन कहलाएगा। तो इस कार्बन पे NH2 ग्रुप है तो इसलिए 2-अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड
और अल्फा अमीनो एसिड यानी कि एस कार्बोक्सिलिक एसिड में जो अमीनो ग्रुप है वो अल्फा कार्बन या सेकंड कार्बन पे प्लेस है। ये बात क्लियर है सबको, इसे नोट कर लें। जी कर लिया। ओके तो बेसिकली इन अल्फा अमीनो एसिड्स का ये टू अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है कि एक कार्बन के एक साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, दूसरी साइड पे एनएच टू ग्रुप होगा, इसका थर्ड बॉन्ड हाइड्रोजन से होगा और फोर्थ बॉन्ड पे आर ग्रुप होगा, और ये आर ग्रुप हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई अल्काइल चेन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मली ऐसे अल्फा अमीनो एसिड्स या टू कम अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का स्ट्रक्चर होगा। अगर मैं इस आर ग्रुप को एच से डिस्प्लेस कर दूं तो ये सबसे सिंपलेस्ट अल्फा अमीनो एसिड होगा, और इसको अगर मैं IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग नेम करूं तो आई कैन कॉल इट टू अमाइनो इथानोइक एसिड, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो इट इज इथानोइक एसिड और उस इथानोइक एसिड के एक हाइड्रोजन की जगह पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, टू अमाइनो इथानोइक एसिड। ये बात क्लियर है सबको? ओके कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। मूसा, सानिया एंड अब्दुल रहमान, आप तीनों को भी क्लियर है? यस सर, यस सर, क्लियर है। यस सर, जी हो गया कंप्लीट सबका। और इसी तरह अगर मैं इस पे CH3 ग्रुप अटैच कर दूं तो अब देखें, अब अगर मैं सिस्टमेटिक नेम पे जाऊंगा तो वैसे कॉमन नेम इसका एलिनिन होगा, जिस तरह इस वाले का कॉमन नेम ग्लाइसिन था, बट अगर मैं सिस्टमेटिक नेमिंग पे जाऊंगा तो सिस्टमेटिक नेम इस पे देखें, फर्स्ट कार्बन दैट इज सेकेंड कार्बन एंड दैट इज थ्री थर्ड कार्बन। तो हम लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, थ्री कार्बन की, सो इट इज प्रोपानोइक एसिड एंड ऑन दिस प्रोपानोइक एसिड सेकेंड कार्बन हैव अ अमाइन ग्रुप, सो इट इज टू अमाइनो प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, ये कंप्लीट कर लें।
जी कंप्लीट कर लिया सबने। ओके अब देखें, ये जो आर ग्रुप है जिसको हमने अल्काइल ग्रुप कहा था, ये भी बेसिकली तीन टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, अगर आर ग्रुप में एसिड होगा, सही है, देखें एक एसिड तो ऑलरेडी यहां पे है ना, यहाँ पे आर ग्रुप CH3 है। अगर इस आर ग्रुप में कोई लॉन्ग चेन हो और उसमें एसिड हो, तो उसकी बेसिस पे जो है इसमें, अब जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, जब आयंस बनते हैं तो उस पे जो है नेट चार्ज ज्यादा आता है। तो ये आर ग्रुप तीन तरह के हो सकते हैं। एक नॉर्मल न्यूट्रल आर ग्रुप होगा, जिस तरह आपने ऊपर देखा CH3, जिसमें अल्काइल होगा या हाइड्रोजन होगा। एक आर ग्रुप ऐसा होगा जो बेसिक होगा, उसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा साइड चेन में भी, यानी कि एक NH2 एक्चुअल स्ट्रक्चर में भी और एक उस R साइड चेन में भी है। तो दो NH2 ग्रुप होंगे टोटल उस मॉलिक्यूल में। और एक R ग्रुप में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उस मॉलिक्यूल में दो COOH ग्रुप एक्सिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम रिएक्शंस देखते हैं अमीनो एसिड्स के। जी ये कंप्लीट हो गया सबका, यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लीजिए। सानिया, अब्दुल रहमान एंड मूसा, आप तीनों को क्लियर यस सर, है? यस सर, क्लियर यस सर। है। ओके, रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स पे आ जाएं। तो अमीनो एसिड्स किस तरह रिएक्ट करते हैं? ठीक है, क्योंकि अमीनो एसिड्स में अमाइन ग्रुप है जो कि बेसिक नेचर का होता है और एसिडिक ग्रुप है। ठीक है, दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स जो हैं, एक मॉलिक्यूल खुद अपने आप से ही रिएक्ट करके आयन फॉर्म करता है, और उस आयन को हम क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन बोलते हैं। ठीक है, कैसे फॉर्म करता है? एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है? इट लूजेस द एच पॉजिटिव आयन। तो ये एसिड अपना एच पॉजिटिव आयन लूज कर देता है, और बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है? इट एक्सेप्ट द एच पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन लूज करके एक नेगेटिव चार्ज अटेन कर लेता है, और ये NH2 ग्रुप हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करके पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेता है। इस वजह से ये जो आयन फॉर्म होता है, इस आयन को हम ज्विटर आयन बोलते हैं। ज्विटर की मीनिंग है टू चार्जेस। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अमीनो एसिड इस वक्त न्यूट्रल आयन होगा, क्योंकि उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, ये कंप्लीट करें जल्दी से।
कंप्लीट हो गया जी। सानिया मूसा एंड अब्दुल रहमान आप लोगों ने भी कंप्लीट कर लिया। यस अच्छा, अब इस आयनिक नेचर की होने की वजह से, क्योंकि आयन फॉर्म कर रहा है तो आयनिक नेचर होने की वजह से जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, और इसी वजह से नॉर्मली अमीनो एसिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एंड ड्यू टू द आयनिक नेचर दे आर सोल्यूबल इन वाटर। और जब भी एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व होते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, स्विटर आयन फॉर्म करते हैं, ठीक है। और स्विटर आयन के पास बेसिक और एसिडिक दोनों प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम ऊपर भी देख के आए, तो इसलिए इनकी नेचर क्या होती है, एम्फोटेरिक होती है, क्योंकि एसिड और ये बेस से रिएक्ट करते हैं, और फर्दर जो एसिड है वो क्या है, एक वीक एसिड है, और जो बेस है वो भी वीक बेस है, तो इसलिए इनके सॉल्यूशंस जो हैं एज अ बफर सॉल्यूशन भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट कर लें। जी यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। क्लियर है सबको? मोइस क्लियर है? मूसा अब्दुल रहमान एंड सानिया आप तीनों को भी क्लियर यस सर, क्लियर है। है? ओके अच्छा जी, अब देखें बफर में ये किस तरह एक्ट कर रहे होते हैं। If acid is added, then the pH of solution gets lower. So,
सी डबल ओ नेगेटिव पार्ट ऑफ द स्विटर आइन विल एक्सेप्ट दी हाइड्रोजन आइंस, ठीक है। और ये हाइड्रोजन आइंस कहां से आए? एसिड डालने की वजह से आए। टू डज विट्राइन विल एक्सेप्ट द हाइड्रोजन आइंस टू रिफॉर्म सी डबल ओ एच ग्रुप अगेन। यहाँ पे लगा ठीक है। As a result, the ion have only positive charge on it. देखें, हमारे पास इनिशियली क्या था? ज्विटर आयन था, ठीक है, जिसमें यहां पे हमारे पास सी डब्ल्यू नेगेटिव आइन था उस ज्विटर आइन में, और यहाँ पे NH3 पॉजिटिव आइन था। तो जब एसिड ऐड किया जाएगा और पीएच लोअर हो रही होगी, तो उस वक्त ये एसिड के एच पॉजिटिव आइन्स को एक्सेप्ट करके COOH और NH3 पॉजिटिव, क्योंकि उसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये काम, ये ज्विटराइन, इस ज्विटराइन बेसिकली क्या था? ये था जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों थे, ठीक है। ये आपके पास पॉजिटिव आइन फॉर्म हो गया, और पॉजिटिव आइन किसकी वजह से फॉर्म हुआ? बाय एडिंग एसिड, यानी के पीएच लोअर होने की वजह से। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, देयर आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस ऑफ अमीनो एसिड्स एट लोअर पीएच, ठीक है। लोअर पीएच से मतलब क्या है? एसिडिक कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि एसिडिक मीडियम में नॉर्मली अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है? अलिशबा, सानिया, अब्दुल रहमान एंड मूसा? यस सर, यस सर। ओके, हाँ, एसिडिक पीएच होगी, एसिडिक मीडियम होगा, तो तब ऐसा होगा। इफ बेस इज एडेड टू द
अमीनो एसिड सॉल्यूशन। देन द एनएच थ्री पॉजिटिव पार्ट ऑफ द ज्विटरआयन डोनेट्स हाइड्रोजन आयन्स टू रिफॉर्म। ये नोट कर लें। जी ये नोट कर लिया। टू रिफॉर्म एनएच टू ग्रुप अगेन। ठीक है। As a result, negatively charged ion is formed. ठीक है। यहाँ पे R अटैच है, यहाँ पे H अटैच है, यहाँ पे हमारे पास ज्विटर आयन का COO नेगेटिव ग्रुप है और यहाँ पे NH3 पॉजिटिव ग्रुप है और हम बेस ऐड कर रहे हैं, तो बेस की वजह से सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन आएंगे। उन हाइड्रोक्साइड आयन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए NH3 पॉजिटिव में से H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा और वो उस OH नेगेटिव से ज्वाइन होके H2O फॉर्म कर लेगा एंड वी आर लेफ्ट विद H2N और हमारे पास ये नेगेटिवली चार्ज आयन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर है सबको? तो आप यहां पे ये कंक्लूजन भी लिख सकते हैं कि इन बेसिक मीडियम और इन अल्कलाइन मीडियम the amino acids are negatively charged। ठीक है, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये बात यहां तक क्लियर है? जी,
मूसा अब्द रहमान इंसानी, आप तीनों को भी ये बात क्लियर है? यस सर, अच्छा, यस सर, अब इंपॉर्टेंट बात है, देखें, अगर मैं इसमें थोड़ा सा एसिड डालूंगा तो क्या होगा? अब ये स्पीशी एग्जिस्ट कर रही है ना, अगर मैं इसमें एसिड डालूंगा तो क्या होगा? जी हाँ, कुछ आयंस एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे नेगेटिव पार्ट, और नेगेटिव पार्ट जो है सी डबल नेगेटिव, वो एच पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, अगर हम थोड़ी थोड़ी सी पीएच में चेंज करें तो एक पॉइंट ऐसा रीच होगा जिस पॉइंट पे जो है पूरा अमीनो एसिड न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है? और जिस पीएच पे वो अमीनो एसिड न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि उस अमीनो एसिड पे कोई चार्ज नहीं रहता, उस पॉइंट को, उस पीएच को क्या कहा जाता है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाता है। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, तो इस बात को लिख लीजिए। अ पॉइंट वेयर द अमीनो एसिड्स हैव नो चार्ज ओवरऑल। पीएच एट विच दिस पॉइंट इज रीच्ड इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ डेट अमीनो एसिड, यानी कि ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स के लिए डिफरेंट पीएच हो सकती है जिस पे उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अटेन। ठीक है, दिस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज अचीव्ड बाय एडजस्टिंग द पीएच बाय स्मॉल अमाउंट्स। ठीक है, अगर हम स्मॉल अमाउंट से पीएच को एक चेंज करेंगे तो उसके रिजल्ट में हम ये अटेन कर सकते हैं, मगर हमें कैसे पता चलेगा कि ये अटेन हो गया? ठीक है, अगर देखें अमीनो एसिड्स पॉजिटिवली चार्ज हैं और हम उन सॉल्यूशन को अगर इलेक्ट्रोड के इंटरफेरेंस में लाएं, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में लेकर आए, तो वो इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और उसी तरह पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स भी इलेक्ट्रोड की तरफ जो है क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। तो अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, तो उस पॉइंट पे जो भी अमीनो एसिड्स होंगे वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर है सबको? ये कंप्लीट कर लिया यहां तक? जी अब्दुल रहमान, मूसा एंड सानिया, आप तीनों को क्लियर यस सर, है? यस सर, क्लियर ठीक है,
आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज द पीएच वैल्यू ऑफ द अमाइनो एसिड सॉल्यूशन व्हेन अमाइनो एसिड इज नॉट अट्रैक्टेड टू एनी ऑफ द इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड पे वही चीज अट्रैक्ट होती है जो चार्ज होती है, और यहाँ पे जिस इलेक्ट्रोड की बात हो रही है वो इलेक्ट्रोलिसिस का नहीं है, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस का है. और इस इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये टेक्निक क्या होती है. ठीक है, ओके. जो नेक्स्ट सब टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो हम इंशाल्लाह कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज पेप्टाइड्स. कैसे स्टार्ट कर लेते हैं, छोटा सा अभी हो जाएगा. अच्छा, अभी तक जो हमने बात की थी उसमें हमने दो रिएक्शन अमीनो एसिड्स के पढ़े हैं. एक वो रिएक्शन जिसमें अमीनो एसिड मॉलिक्यूल खुद अपने आप से रिएक्ट कर रहा था, यानी कि अपने एक साइड से हाइड्रोजन रिलीज कर रहा था और दूसरे साइड बेसिक ग्रुप उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा था. दूसरा हमने रिएक्शन कौन सा पढ़ा, जब वो एसिड या बेस से रिएक्ट कर रहा था, कि जब एसिडिक कंडीशन होगी या एसिड ऐड होगा तो एच पॉजिटिव से किस तरह रिएक्ट करेगा और उस पे क्या चार्ज आएगा, और जब बेसिक कंडीशन होगी तो वो बेस से किस तरह रिएक्ट करेगा और उस पे क्या चार्ज आएगा. ठीक है, तो पेप्टाइड्स बेसिकली क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स के वो हैं अमीनो एसिड से फॉर्म होते हैं. वालेकुम सलाम. सर जी सर पेप्टाइड तो बॉन्ड होता है ना दो अमीनो एसिड के बीच में। जी और पेप्टाइड जो उन कंपाउंड्स को भी कहते हैं जिनको हम जिनमें वो बॉन्ड होता है. ओके सर। सो अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स रिएक्ट्स विथ ईच अदर एज वेल. ठीक है, अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से भी रिएक्ट करते हैं. सी डब्ल्यू एच जो बेसिकली क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विथ एनएच टू ग्रुप. किसे बोलते हैं, अमाइन ग्रुप या अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर मॉलिक्यूल टू फॉर्म डाइपेप्टाइड. ठीक
ठीक है, तो जब दो अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होकर एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड बोलते हैं, क्योंकि उसमें टू अमीनो एसिड यूनिट्स जो है ज्वाइन हो गए। ठीक है, बॉन्ड बाय विच जी मूसा, सानिया एंड अब्दुल रहमान, आप तीनों को क्लियर है? बोथ द मॉलिक्यूल्स ज्वाइन विद ईच अदर इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंक। जी रुक जाए जी, यहां तक कर लिए कंप्लीट सबने? ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसको हम जो है कल की क्लास में यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पेप्टाइड लिंक, अब दरमान आपको समझ में आ गया, बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड को भी कहा जाता है और पेप्टाइड मॉलिक्यूल को भी कहा जाता है, उस कोवेलेंट बॉन्ड को जिससे दो अमीनो एसिड एक दूसरे से ज्वाइन हुए हैं, वो कब बॉन्ड जो है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंक कहलाता है। और जब दो अमीनो एसिड्स ज्वाइन हो जाते हैं तो जो न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो डाइपेप्टाइड कहलाता है, क्योंकि उसमें दो अमीनो एसिड यूनिट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये बात जी क्लियर है सर, सबको? जी सर, क्लियर है। चलें, ओके, तो कल इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।